इडियट्स, इतना बड़ा मार्केट पॉलिटिक्स के साथ एग्जिस्ट करता है साला, तुम क्यों नहीं देखते हो? ये अनटैप नहीं कर पाए तुम लोग, इतने साल से सूरमा बनते हो, अपने आप को ज्ञानी बोलते हो सिनेमा का, जो इलीट क्रिएटिविटी इंडिया का। इन लोगों ने आपको हमेशा बताया कि अगर तुम्हें क्रिएटिव बनना है तो तुम्हें मुझ पर डिपेंड होना पड़ेगा, तुम्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो तुमको धर्म के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, नहीं टेके तो कुछ नहीं होगा। तुम जब तक केजो को सेलिब्रेट नहीं करोगे तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुले, चमचागिरी नहीं करोगे बहुत सारे बड़े राइटर्स की, तुम्हें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं मिला। तुम्हें मामी में मैं नॉमिनेट हुआ था, हम नॉमिनेट थे, बहुत सारे लोग नॉमिनेट, सबको धक्के मार मार के बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जो इलीट्स थे बॉलीवुड के उनको लाला के आगे बैठा रहे थे, ये किरण राव और अनुपमा चोपड़ा। दैट डे आई डिसाइडेड आई विल नेवर पुट माय फुट अगेन इन दिस मामी। और पहले हम लोग 10 साल रोज जाते थे, इतनी फिल्में देखते। तो व्हाट आई वांट टू जस्ट टेल यू, अगर मेरा पूरी लर्निंग ये है, अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी को पकड़ के एक कन्विक्शन के साथ चलते रहो तो ये मत सोचो कि 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, कोई तुमसे आगे गुजर गया, आगे निकल गया, ये ज्यादा है मैं कम हूं। तुम बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और एक दिन ये नौबत आती है जो मेरे साथ अभी हुई है, दैट मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर ही नहीं हूं अभी इस पूरे यूफोरिया में, आई हैव रिवाइव्ड सो मेनी बिजनेसेस। ऐसे ऐसे मार्केट्स जो थे नहीं कभी वो खोल दी। और अगर कोई ये कहता है कि अच्छा भाई ये पॉलिटिक्स के कारण इनको ये फिल्म लोग देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा इडियट्स, इतना बड़ा मार्केट पॉलिटिक्स के साथ एग्जिस्ट करता है साला, तुम क्यों नहीं देखते हो? हमने पूरा नया 300 लगभग 300 करोड़ का मार्केट तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है आज। ये अनटैप नहीं कर पाए तुम लोग, इतने साल से सूरमा बनते हो, अपने आप को ज्ञानी बोलते हो सिनेमा का, और एक आदमी जो कि तुम्हारा पार्ट भी नहीं है, जिससे तुम बात भी नहीं करते हो, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने उसको यूं डिस्कवर कर लिया। बिल्कुल, जिस हायरार्कल स्ट्रक्चर के बारे में हम मेरे उस पे आप कई बार बात कर चुके हो कि एक गेट कीपिंग, एक इलीटिस्ट सेंटिमेंट है फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक्सेस जो है वो बहुत लिमिटेड है सिकोफेंट्स और चमचों के लिए, वो आपने सक्सेसफुली यू हैव नॉट इवन जस्ट अनलॉक्ड बट मे बी अनलॉक फॉर सो मेनी मोर, राइट? लाइक वॉट वी प्रॉबली डोंट रियलाइज इज इन मेनी वेज दैट दिस फिल्म विल बिकम पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमैटिक हिस्ट्री। वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी दैट द डोर्स टू इंडी सिनेमा have been opened, and not just like 10, 15, 20, 25 crore ke margin mein, ye 300 crore, 400 crore ke margin mein open hua hai, which means ek entire new genre of cinema possible hai. Fortunately, incidentally, with God's grace, with whatever, you found yourself in the dead middle of all of this. I cannot imagine being in your shoes, it must be both great and tough at the same time, but I think you are up to it, I have no doubt. Having known you long enough, I think you are, if anybody's up to it, you are up to it. Thank you, man, thank you, love you.